और आप लोग देख सकते हैं कि जलेबी का साइज कितना बड़ा है, इसीलिए इसको जलेबा बोला जाता है। और ये देखिए भाई, इस परात में भी जो है कम से कम भी नहीं तो साइज इतना बड़ा रखा हुआ है कि भाई साहब इसको जलेबी नहीं बोलेंगे तो जलेबा ही बोलेंगे। भैया क्या नाम है आपका? विशाल नाम है। चक्कर क्या है ये, इतनी बड़ी जलेबी कैसे बनाते हैं आप? इतनी बड़ी जैसे जलेबी बनाते हैं इतना माने भीड़ लग जाता है ना यहाँ पे। अच्छा, तो छोटे साइज बनाएंगे तो बिकाते रह जाएगा, इसलिए बड़ी साइज बनाते हैं। अच्छा, तो ये वजन के साथ बनाते हैं इसको या फिर बिना वजन के बनाते हैं? बिना वजन का ही बनता है। अच्छा, एक घानी 750-800 का होता है। 750-800 मतलब बोले तो? 750-800 ग्राम मतलब केजी के हिसाब से माने 750 केजी होता है। अच्छा, ये 750 ग्राम का एक होता है। अच्छा, एक जलेबा जो है 750 ग्राम का हो गया। अच्छा, ये सारे के सारे 750 ही बनाते हैं, छोटा बड़ा भी बनाते हो? छोटा बड़ा भी साइज है, जैसे 750 का हो गया, फिर से आधा केजी का भी बनाते हैं, जैसे आधा केजी, 3 पाव का, 1 पाव का, मतलब ऐसा बनता है। अच्छा, और अगर कोई नॉर्मल 10 या 20 रुपए मांगे वो? उसका भी बन जाता है छोटा साइज। अच्छा, छोटा साइज बन जाता है। ये कितना है? 1 केजी। 1 केजी पूरा? 1 केजी। अरे बाप रे, पूरा 1 केजी है? पूरा 1 केजी है। क्या बात है। तो भाई ऐसा है तो एक काम करो भैया, हमें बना के दिखाओगे आखिरकार ये जलेबा एक बार में पूरी लेयर तैयार कैसे करते हो बिना टूटे? ये लो भाई, तो सबसे पहले आ गया तेल। कौन सा रिफाइंड इस्तेमाल करते हैं आप? ये शक्ति रिफाइंड। शक्ति रिफाइंड। ये आ गया मैदा। मैदा सिर्फ पानी से ही गूंथते हैं और इसमें कोई भी चीज मतलब डालते नहीं है। अच्छा, सिर्फ पानी से? सिर्फ पानी से। और अलग से कोई सोडा वगैरह होता है कुछ नहीं डालते? वो सब नहीं पड़ता है। अच्छा जी, बिना सोडा के तैयार कर देंगे? जी। अरे वाह भाई वाह, डालो बनाओ। ये लो भाई, ये हो गया जलेबा, होने जा रहा है रेडी। अरे वाह भाई वाह, भैया की स्पीड देखो एक बार यार, स्पीड कितनी खतरनाक है। भैया कितनी एज है आपकी? 18 वर्ष। 18 वर्ष? अरे क्या बात है, मतलब यार 18 की उम्र में ही मतलब जलेबी मास्टर हो गए आप, गजब। और ये लो भाई, जलेबा हो गया रेडी। और देख सकते हैं आप लोग, लेयर जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से एक के साथ एक बिल्कुल चिपका हुआ है। और भैया पक्की बात है, नहीं टूटेगी ये? नहीं टूटेगी। अच्छा चलो भैया, देखते हैं आपकी भी कलाकारी। और गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि भैया बता रहे हैं कि इनको फुर्सत नहीं मिलती है, तो मैं आपको दिखाऊं, एक तरफ ये जलेबा रेडी कर ही रहे हैं तो दूसरी तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जलेबी ऑलरेडी 2 लेयर जो है बनके रेडी हुई है, और वो भी जलेबी नहीं जलेबा है। और तीसरी तरफ देख सकते हैं कि परात के अंदर जो है ऑलरेडी वहाँ पर जलेबी रखी हुई है। ओहो वाह भाई वाह, गजब। तो गाइस ये देख सकते हैं भैया की कलाकारी, मतलब कि जलेबी कहीं से भी कहीं तक टूटी भी नहीं है और चिमटे के सहारे से साबुत ऐसे कैसे खड़ी कर ली भैया ने। तो भैया आप क्या करेंगे इसके आगे? अभी इसके अंदर जाएगा। ठीक है, डालिए। अरे वाह भाई वाह, ये तीसरी लेयर भी जो है नीचे आ गई। लेकिन भैया इस टाइम तो आपकी शॉप पे उतनी भीड़ दिखाई नहीं दे रही। अभी नहीं भीड़ है, मानी कि भीड़ तो होता है, मैंने आज थोड़ा कम भीड़ है। अच्छा कम है। आप इसको उठा कर इस पे रख देंगे हम। अरे वाह भाई वाह, तो गाइस ये देख सकते हैं भैया का ये जलेबा जो है पूरी तरीके से रेडी हो गया है। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा, क्या है? नीलानाथ वर्मा। अच्छा बाबा जी, अपनी शॉप को यहाँ पे कितना टाइम हो गया है? हमको यहाँ टाइम हो गया इंदिरा गांधी का मरने का पहले से है। अच्छा, 1984 से पहले की आपकी शॉप है यहाँ पे? यानी 35-40 साल हो गए आपकी शॉप? ये वो रोड फुट ना बना रहे। अच्छा, ये वो दुकानदारी कुछ ना रहे। एक भी दुकान नहीं थी यहाँ पे? ना कुछ कहीं ना। अच्छा हाँ, तब से सिर्फ आपकी दुकान थी यहाँ पे? एक ही हमारा ही हो रहा है। ठीक है। और बाबा ये बताइए आपको कि सब लोग जो है जलेबी बनाते हैं, लेकिन आपके पास जो है ये जलेबा का आइडिया कैसे आया? छोटा छोटा बनाई बेची, बाद में लोग जब बढ़े लगा तो आटे नाते ऐसे बोर्ड बनाई जो 5 आदमी 7 आदमी के। अच्छा, कस्टमर मतलब ज्यादा आ जाते थे तो उनको दे नहीं पाते थे, इसकी वजह से आप बड़ा बनाने लगे। और बाबा अपने जलेबा का रेट क्या यहाँ पे? 140। 140 रुपए केजी। और इससे पहले क्या करते थे आप? मसल पट्टी और बर्फ पट्टी बेच रहे थे। मसल पट्टी बर्फ पट्टी, ये क्या होता है? बर्फ, जैसे बर्फ लोग खाते हैं लड़का लोग। अच्छा, आइसक्रीम? आइसक्रीम। अच्छा अच्छा, आइसक्रीम और मसल पट्टी चीनी का। अच्छा, तो कैसे बेचते थे? यहीं बेचते थे ना, फिर देहात में घूम करके। जहाज में? देहात में। अच्छा, देहात में घूम के? हाँ, गाँव में घूम घूम गाँव में घूमो फिर जा रहा। तो पैदल घूमते थे? अच्छा, पैदल बर्फ बेचते थे। तो भाई अगर आप लोग वर्मा जी का जलेबा अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ का फुल एड्रेस है, ये आपको भोरे चौराहा मिलेगा, यहाँ पे जलेबिया मोड़ इसको बोला जाता है, और जिला गोपालगंज बिहार के अंदर ये बाबा बैठे हुए